नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ये खबर है बदलापुर जौनपुर में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बदलापुर क्षेत्र के कई कीटनाशक तथा बीज भंडार की दुकानों पर मारा छापा, मचा हड़कंप, एक दुकान किया सीज। खबरें पूरी विस्तार से आपको बताते हैं कि 19 जुलाई को बदलापुर के नव नियुक्त उपजिलाधिकारी संजय मिश्रा, तहसीलदार मृदुला दुबे तथा कृषि विभाग के अधिकारी सतई राम और राजस्व निरीक्षक अनिल तिवारी के साथ क्षेत्र के बदलापुर तथा सिंगरामो बाजार में कई बीज भंडारों पर छापा मारते हुए कीटनाशक दवाओं के नमूने लिए। उपलब्ध कृषि विभाग द्वारा कीटनाशकों का बारीकी से निरीक्षण करवाया और बीज, खाद तथा स्टॉक रजिस्टर के बारे में जानकारी ली। सरोखनपुर सब्जी मंडी के बगल रामकृष्ण मौर्य की दुकान कृषि निवेश केंद्र पर अनेकों खामियां मिलने के कारण दुकान को पूरी तरह सील करवा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दुकान पर ना तो स्टॉक रजिस्टर है, ना ही उर्वरक वितरण मशीन है, ना ही वितरण रजिस्टर है और अनेकों खामियां पाई गईं, जिसके कारण दुकान को सील करवा दिया गया। साथ में पुलिस प्रशासन कोतवाली बदलापुर के SI धीरेन्द्र सोनकर के साथ पुलिस टीम मौजूद रही। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेश शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।